तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र मॉडल क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने ही वाले हैं समाजशास्त्र के, तो इसकी तैयारी आप लोगों को अच्छे से करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने जो ये कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन समाजशास्त्र के बताए थे आप सभी को, तो उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन एक में वीडियो में बना लिए हैं। तो वही आज किस वीडियो में ही सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है सारे, और इससे आप लोगों का रिवीजन हो सके, ठीक है, पिछले क्वेश्चनों का। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से किस प्रकार के आस्थिकरण का उदाहरण है? ऑप्शन है कि खुला आस्थिकरण, बी नंबर जंगीरे, सी नंबर बंद आस्थिकरण, और डी नंबर इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बंद अस्थिकरण, ठीक है। तो मैं जल्दी से आंसर बता दूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे मालूम है आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट जल्द ही होने वाले हैं, तो आप लोग अपने सीरीज से या क्वेश्चन बैंक जो भी खरीदें उससे भी तैयारी करिए, और जो मेरी वीडियो मिल जाती हैं उससे भी आप लोगों को हेल्प मिल जाए तो वो भी देख लिया करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जागीर प्रथा प्रचलित थी। ऑप्शन है कि मध्ययुगीन यूरोप में, बी नंबर वैदिक भारत में, सी नंबर अमेरिका में, डी नंबर मुगल काल में। तो जो जागीर प्रथा प्रचलित थी वो मध्ययुगीन यूरोप में, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अस्थिकरण के आधार बताइए। तो नंबर एक है शिक्षा, जन्म, संपत्ति, इनमें से सभी। तो आई होप इसका राइट आंसर आप सभी को मालूम ही होगा कि निम्न में से अस्थिकरण के आधार बताइए, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। शिक्षा, जन्म, संपत्ति तीनों है, इसलिए राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के मजदूर, ठीक है, दुनिया के मजदूर एक हों, ये नारा किसने दिया है? दुनिया के मजदूर एक हों एक प्रकार का नारा है, ठीक है, जिसको किसने दिया है? ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सी नंबर सुभाष चंद्र बोस ने, और डी नंबर मार्क्स ने। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मार्क्स ने दिया था, दुनिया के मजदूर एक हों, ये नारा मार्क्स ने दिया था, जो कि एक समाजशास्त्री हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये है कि किस लेखक ने अस्थिकरण को एकीकरण के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया? ऑप्शन एक है डेहरनडॉर्फ, और बी नंबर स्कैनर, और सी नंबर है पार्सन्स, और डी नंबर दुर्खीम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पार्सन्स, ठीक है, राइट आंसर पार्सन्स, सी नंबर, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि किसने कहा था धर्म लोगों के लिए अफीम है? ऑप्शन एक है जॉनसन, बी नंबर गांधी जी ने, और सी नंबर मार्क्स ने, और डी नंबर पैरेटो ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मार्क्स, ठीक है, धर्म लोगों के लिए अफीम है ये कहा था मार्क्स ने, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, ओके। तो अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि मध्यकालीन यूरोप में सामाजिक अस्थिकरण का मुख्य आधार था, नंबर एक धर्म, बी नंबर वर्ग विभाजन, और सी नंबर जागीरें, और डी नंबर संपत्ति। तो मध्यकालीन यूरोप में सामाजिक अस्थिरता का जो मुख्य आधार था वो था जागीरें, ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विलासी वर्ग के बारे में विचार व्यक्त करने वाला प्रमुख विद्वान, ठीक है, विलासी वर्ग के बारे में। तो ऑप्शन आपको मिल ही जा रहे हैं, रूसो, मार्क्स, मार्टन, और डी नंबर है बेल्विन। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर बेल्विन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सोरोकिन तथा वेवर ने अस्थिकरण के निम्नांकित में से किन आधारों का उल्लेख किया? नंबर एक है राजनीतिक, बी नंबर व्यवसायिक, सी नंबर आर्थिक, और डी नंबर है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये सभी, ठीक है, राजनीतिक, व्यवसायिक, आर्थिक। सोरोकिन तथा वेवर ने अस्थिकरण को निम्नांकित में से इन आधारों का उल्लेख किया है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से बंद अस्थिकरण का उदाहरण, नंबर एक सत्ता, बी नंबर जात, सी नंबर वर्ग, डी नंबर में से कोई नहीं। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर जाति, ठीक है, बंद अस्थिकरण का उदाहरण नहीं है जाति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुदाय एक कैसा समूह है? नंबर एक मूर्त समूह, बी नंबर अमूर्त समूह, सी नंबर दोनों, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समुदाय एक मूर्त समूह है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कि निम्न में से कौन सा तत्व संस्था में नहीं होता है? निम्न में से कौन सा तत्व संस्था में नहीं होता? ऑप्शन को मिल जा रहे हैं अधिकार, प्रतीक, सामाजिक विरासत, और डी नंबर ऐच्छिक सदस्यता।
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऐच्छिक सदस्यता। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से संस्था कौन नहीं है। ऑप्शन ए के राज्य, बी नंबर गृहस्थ आश्रम, और सी नंबर धर्मशाला, डी नंबर परिवार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा परिवार। निम्न में से संस्था परिवार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संस्था नहीं है। ऑप्शन ए के विनिमय की रीतियां, बी नंबर संसद की कार्यवाही, और सी नंबर सरकार, और डी नंबर है राष्ट्रपति का पद। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी नंबर, राष्ट्रपति पद। ठीक है, जो कि एक राजनीतिक संस्था नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से संस्था के उद विकास का प्रथम चरण क्या है। नंबर एक रूढ़िया, बी नंबर प्रथा, सी नंबर विचारधारणा, और डी नंबर सामूहिक अनुभव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विचारधारणा। ओके, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इनमें से कौन नागरिक जीवन एवं सभ्यता के पतन की बात कहते हैं। नंबर एक चर्चिल, बी नंबर माम फोर्ड, और सी नंबर है स्पेंगलर, और डी नंबर इनमें से सभी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हैं जो कि नागरिक जीवन एवं सभ्यता के पतन की बात कहते हैं। राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मॉडर्न सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। नंबर एक नजबुल करीम, और बी नंबर है बोगार्डस, और सी नंबर सोरोकिन, और डी नंबर है बिसंज और बिसंज। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बिसंज और बिसंज, डी नंबर। ठीक है, हो सकता है थोड़ा टाइप करने में कुछ ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो मिस हुआ गया, लेकिन राइट आंसर इसका बिसंज हो जाएगा एवं बिसंज। ठीक है, देख लीजिएगा, पिछली वीडियो मैंने बताया आप लोगों को, आपने देखी होगी शायद वीडियो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि समुदाय का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो समान जात के हैं। दो नंबर ऑप्शन है, बी नंबर दो या अधिक गांव में रह रही है, और सी नंबर एक भूभाग में रह रहे हैं, और डी नंबर औपचारिक रूप से संगठित। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक ही भूभाग में रह रहे हैं। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे मिलकर समुदाय बनता है। नंबर एक भारतीय समाज से, बी नंबर भारतीय मूल के निवासी से, सी नंबर व्यापार संघ आंदोलन से, और डी नंबर इलाहाबाद में रहने वाले बंगाली ब्राह्मण से। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद में रहने वाले बंगाली ब्राह्मण से। क्वेश्चन का आंसर कुछ इसी प्रकार मुझे मिला है, इसलिए मैं इसका राइट आंसर डी नंबर ही रखता हूँ। इलाहाबाद में रहने वाले बंगाली ने निम्नलिखित में से किससे मिलकर समुदाय बनता है, तो वो इलाहाबाद में रहने वाले बंगाली ब्राह्मण से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक समुदाय जीवन का आधार नहीं है। नंबर एक समान चिंतन, बी नंबर सामुदायिक भावना, और सी नंबर सामान्य जीवन निर्वाह का तरीका, और डी नंबर सामान्य भूभाग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सामुदायिक भावना। ठीक है, बी नंबर सामुदायिक भावना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। मैंने रिवीजन के लिए वीडियो बनाई थी जिससे आप लोगों को फिर से एक बार रिपीट हो जाए, कोई क्वेश्चन अगर आप भूले हों तो उसे आप दोबारा से रिपीट हो जाएगा तो माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करिएगा। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए। पहले मैंने समाजशास्त्र और सोशोलॉजी यानी कि इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए, तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी क्योंकि आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। और मेरे वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, sandeepinfo.com। तो उस पर विजिट करिए, बहुत सारे क्वेश्चन उस पर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।